नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं बैटमैन गॉथम बाय गैसलाइट का थर्ड इश्यू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि ब्रूस वेन के कहने पर एडम स्ट्रेंज लॉस्ट सिटी को ढूंढने निकला था, लेकिन तभी उन पर किसी मॉन्स्टर ने हमला कर दिया और तब उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए एक औरत वहां आ गई। तो वही ब्रूस वेन ये रिंग ऑफ जॉन्ग क्या है ये पता करने लगता है और तब उसे पता चलता है कि ये लीग ऑफ असैसिन्स इन रिंग के पीछे है। तो वही दूसरी ओर कॉन्स्टेंटिन भी इस चमकती हुई चीज को ढूंढ रहा है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत फिर एक बार एंटार्क्टिका में होती है जहां हम एडम स्ट्रेंज को देखते हैं जो ठंड में कांपते हुए ब्रूस वेन को लेटर लिख रहा था। और तब एडम स्ट्रेंज लेटर में लिखता है कि आज 266वां दिन है और मैं अब फिर से आपको लेटर लिख रहा हूँ क्योंकि यह जो मैंने देखा उसे तो मैं अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ। ये कहते ही वो बाहर आता है और देखता है कि वो औरत बाहर खड़ी थी। तब एडम स्ट्रेंज उस औरत से कहता है, मुझे माफ करना लेकिन आपको मेरी भाषा समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन क्या आप बाहर ठीक हो? लेकिन तभी वो औरत आसमान में चांद को देखती है और कहती है, यह मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फिर कभी इस चांद को देख पाऊंगी। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है उस समय जब मॉन्स्टर ने हमला किया था, और तब एक औरत वहां आती है और उस मॉन्स्टर पर हमला करती है, लेकिन वो मॉन्स्टर बहुत ही स्ट्रांग था। यह एडम स्ट्रेंज ये सारी घटना अपने लेटर में लिख रहा था। इधर वो मॉन्स्टर इस औरत को उठाकर फेंक देती है, लेकिन तभी वो औरत फिर से खड़ी होती है और उस मॉन्स्टर को मारने जाती है, लेकिन वो मॉन्स्टर फिर से उस औरत पे हमला करता है, लेकिन वो औरत उस मॉन्स्टर के दोनों हाथ पकड़ लेती है और उस मॉन्स्टर को पीछे धकलती है और फिर अपना लैसो निकालती है और उस मॉन्स्टर को बांध देती है और कहती है, ये गॉड ऑफ एस्टिया तुम्हें सच बोलने पर मजबूर कर देगा। तभी वो मॉन्स्टर कहता है, तुम सच जानना चाहती हो ना स्कार्टेरियन, तुमने जो हमारे साथ किया उसके बाद तो तुम्हें मौत ही मिलनी चाहिए। जिस पर वो औरत कहती है, मैंने तुम्हारे हैचलिंग्स को नहीं मारा है, तुम्हारे लोग ही थे जिन्होंने अमेज़ोनियंस पर हमला किया था, हमने तो बस तुम्हें उत्तर दिया था। जिस पर वो मॉन्स्टर कहता है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। ये सुनते ही वो औरत इस मॉन्स्टर को वापस धरती के नीचे जाने को कहती है और वो मॉन्स्टर चला जाता है। लेकिन जाने से पहले वो मॉन्स्टर इस औरत से कहता है, तुम भी यहाँ की नहीं हो, जो तबाही क्रिप्टन पर हुई थी वो वापस आ रही है और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। जिस पर वो औरत कहती है कि अगर ऐसा है तो मुझे मेरी तकदीर स्वीकार है। ये कहते हैं वो मॉन्स्टर चला जाता है। तभी वो औरत एडम स्ट्रेंज और उसके लोगों से कहती है, खतरा अब जा चुका है। ये सुनते ही वे सारे लोग आगे आते हैं। तभी वो औरत एडम स्ट्रेंज और उसके लोगों से कहती है, मैं हूँ डियाना गुमशुदा थेमिस्क्रिया की, मेरे ट्राइब 6 में से एक कबीला का था जो यहाँ रहा करता था, लेकिन फिर क्रिप्टन के बच्चों ने यहाँ पर तबाही लाई, इसलिए हमें स्कार्टेनर की गहराई में छुपना पड़ा। मैं यहाँ बहुत मेहनत करके आई हूँ ताकि तुम लोगों को इसके बारे में बता सकूं, और वो ये है कि तबाही आ रही है, तुम्हारी सभ्यता खतरे में है और मुझे नहीं पता कि मैं कैसे बचा सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं बचाने का प्रयास करूंगी। ये सुनते ही एडम स्ट्रेंज अपने लोगों से कहता है कि क्या तुम्हें इसकी भाषा समझ में आ रही है? जिस पर सारे लोग कहते हैं कि हमें भी कुछ समझ में नहीं आया। यह सीन शिफ्ट होती है और हम गॉथम में एक आदमी को देखते हैं जो किसी पैलेस में आता है और कहता है, मैं हूँ मेलकम। जिस पर अंदर से एक औरत मेलकम से कहती है, तुम्हारा ब्लैक कैट क्लब में स्वागत है मिस्टर मेलकम, तो क्या आप यहाँ पहली बार आए हो? जिस पर मेलकम कहता है, मैंने यहाँ की कहानी सुनी थी। जिस पर वो औरत कहती है, ठीक है आज तुम्हें सच पता चल जाएगा। ये कहते हैं वो औरत मेलकम को क्लब में लाती है। तभी वो औरत मेलकम से पूछती है कि क्या तुम यहाँ किसी को ढूंढ रहे हो? जिस पर मेलकम कहता है, माफ करना पर मैं यहाँ नया हूँ। जिस पर वो औरत मेलकम से कहती है, डरो मत मैं यहाँ तुम्हारे मैच का ढूंढ निकालूंगी। ये कहते हैं वो औरत मेलकम को अपने साथ ऊपर के कमरे में लाती है। अब कमरे में आने के बाद वो औरत चुपके से अपने पैर से चाकू निकालती है और मेलकम के गले पर रखती है, लेकिन तभी मेलकम उल्टा उस चाकू को घुमाकर उस औरत के गले पर रखता है। ये देखकर वो औरत स्वयं को अलग करती है और मेलकम से कहती है कि तुम्हारे लिए कौन शूट करता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये मेलकम असल में कोई और नहीं बल्कि ब्रूस वेन है और ये औरत कोई और नहीं बल्कि सेलिना काइल है। तभी सेलिना मेलकम जिसे वो बैटमैन समझती है उससे पूछती है, तुमने मुझे ढूंढा कैसे? जिस पर मेलकम कहता है, तुम्हारा परफ्यूम बहुत खास है
और ऐसा परफ्यूम सिर्फ एक आदमी के पास होता है। बस उसके जरिए पता किया कि तुमने वो खरीदा था सेलिना, जिस पर सेलिना मैलकम से कहती है तुमने इतनी मेहनत मुझे ढूंढने में की, जिस पर मैलकम कहता है तुम्हारे कारण बहुत लोग मरे है, जिस पर सेलिना कहती है हाँ मरे है लेकिन तुम बच गए, जिस पर मैलकम कहता है मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ सेलिना, जिस पर सेलिना कहती है अच्छा हुआ मेरे लिए नहीं आए नहीं तो हाल बुरा होता। ये कहते हैं मैलकम देखता है कि वहां पर सेलिना के और भी साथी गन्स लेकर आ गए थे, लेकिन सेलिना उन्हें शांत करके बाहर भेज देती है और मैलकम को लेकर लॉन में आती है जहाँ पर एक आदमी को बांध के रखा था। तभी सेलिना कहती है कि वहां पर जिन लोगों ने हमला किया था ये उनमें से एक है, हालांकि ये लोग तुरंत पकड़े जाने पर मर जाते हैं लेकिन ये बच गया, पर इसने अभी तक कुछ नहीं बताया है। तभी मैलकम सेलिना से पूछता है तुमने इसे यहाँ क्यों लाया, जिस पर सेलिना कहती है मुझे इसे कुछ सवाल चाहिए थे। ये कहते सेलिना कुछ निकालती है और उसके स्वेल से वो आदमी जाग जाता है। तभी मैलकम उस आदमी से कहता है मैं जानता हूँ कि तुम ताले अलगुल के लिए काम करते हो, तो बताओ तुम इस रिंग ऑफ जॉन्ग की तलाश क्यों कर रहे थे और उसके लिए लोगों को खत्म क्यों कर रहे हो, जिस पर वो आदमी कहता है कि स्लीपर जागने वाला है। ये सुनते ही सेलिना कहती है देखा ये बस यही कह रहा है, और वैसे भी म्यूजियम में जो रिंग थी वो नकली थी तो फिर असली कहाँ पे है, जिस पर मैलकम कहता है कि तुमने उसे पहले चोरी करने का प्रयास किया था तो अब ये इरादा छोड़ दो, वैसे भी वो तुम्हारे बस के बाहर का है। यासिन शिफ्ट होती है और हम कोलोराडो में एक ट्रेन देखते हैं जिसके अंदर हम एलन स्कॉट को देखते हैं जो वहाँ आ गया था। तभी वो उस ट्रेन के एक बोगी से दूसरे बोगी में जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ का गार्ड उसे आगे बढ़ने से रोकता है। तभी एलन उस गार्ड से कहता है माफ करना मैं तो सिर्फ कार्गो की ओर जा रहा था क्योंकि वहाँ पर मेरा कुछ सामान है, जिस पर वो गार्ड एलन से पूछता है तुम्हारा सामान क्या है, जिस पर एलन कहता है ज्यादा कुछ नहीं बस हॉट एयर बलून ग्रीन लैंटर्न है क्योंकि मैं एरियलिस्ट हूँ। ये सुनते ही वो गार्ड एलन को जाने देता है। यहाँ बोगी के अंदर आने के बाद वहाँ बैठी हुई एक औरत एलन को देखती है और उसे बुलाती है और कहती है मुझे मिस्टर वैन ने पैसे दिए है इसकी रक्षा करने के लिए, जिस पर एलन उस औरत से पूछता है ये चीज आखिर क्या है, जिस पर वो औरत कहती है ये रिंग है। ये कहते ही वो औरत उस रिंग को बाहर निकालती है। ये देखकर वो गार्ड उसे रोकने आता है लेकिन वो औरत उस गार्ड को बाहर भेज देती है और फिर वो रिंग बाहर निकालती है और कहती है यही वो रिंग ऑफ जॉन्ग है, इसके लिए बहुत से लोग मारे गए हैं लेकिन फिर मेरे ग्रैंडफादर ने इसे प्राप्त किया। 30 साल पहले ये अचानक से ग्लो होने लगा और फिर मेरे सपने में मुझसे बात करने लगा। उसने कहा मैं 3 बार अपनी ग्रीन फ्लेम जलाऊंगा, पहली बार जब जलाऊंगा तब मौत लाऊंगा, दूसरी बार जब जलाऊंगा तब लाइफ लाऊंगा और तीसरी बार ताकत। यह सुनने के बाद एलन स्कॉट उस रिंग की ओर आकर्षित हो जाता है और वो उस औरत से पूछता है इसका मतलब क्या है, जिस पर वो औरत कहती है ये रिंग लगता है तुम्हें पसंद कर रही है पर मैं तुम्हें दे नहीं सकती हूँ। ये कहते वो औरत उस रिंग को वापस अंदर रखती है और एलन से पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो, जिस पर एलन कहता है मैं एरियलिस्ट हूँ मैं कहीं पर भी जाता हूँ। यार ट्रेन के बाहर हम लीग ऑफ असैसिन्स के लोगों को देखते हैं जिन्हें पता चल गया था कि असली रिंग इस ट्रेन में है और तब वे लोग ट्रैक पर डायनामाइट लगा देते हैं और जब ट्रेन वहां आती है तब वो ट्रैक उड़ा देते हैं जिसके कारण वो ट्रेन ट्रैक पर से नीचे गिर जाती है। ये देखकर वे लीग के लोग कहते हैं स्लीपर अवेकन्स। यहाँ एंटार्क्टिका में हम डियाना को देखते हैं जो एडम से कहती है मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी भाषा समझ में नहीं आएगी इसलिए तुम ये लैसो पकड़ लो और सच जान लो। ये कहते हैं एडम उस लैसो को पकड़ता है और सच देखने लगता है। तभी एडम को एक जगह दिखा देती है जहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स थे। तभी डियाना कहती है ये स्कार्टेरियंस है एक सैवेज वर्ल्ड जिसके बारे में इंसान नहीं जानता है, ये अर्थ के बहुत नीचे छुपा हुआ है, ये एक लॉस्ट रियलम है मैडनेस और मॉन्स्टर ऑफ हॉरर एंड हीरोज का। तभी हमें वहाँ पर कुछ लोग दिखा देते हैं जो वहाँ पे अपना जीवन बिता रहे थे। तभी आगे डायना कहती है यही पे एक जगह है जिसे अमेज़न कहते हैं और मैंने उसे देखा है, इस जगह के योद्धाओं ने इस जगह को अभी तक मॉन्स्टर से बचा हुआ रखा है लेकिन फिर एक दिन वहाँ पर तबाही हुई जिसे डोम ऑफ क्रिप्टन कहते हैं जिसने एक ही पल में सारे लोगों को खत्म कर दिया। हालांकि उसमें से जो कुछ बचे उन लोगों ने क्रिप्टन के साइंस को पूरी तरह नकार दिया और पुराने गॉड्स की मैजिक की ओर मुड़े और फिर वे और गहरे अंदर चले गए। मेरे पास दूरदृष्टि होने के कारण मैं ये जान पाई कि हमारे जो राज है उन्हें छुपा कर रखना आवश्यक है क्योंकि हमारा तभी पीछा किया जा रहा था। वहाँ के कुछ भविष्य देखने वाले लोगों ने ये कहा कि फिर एक बार डोम ऑफ क्रिप्टन आएगा, जिस पर कुछ लोग कहने लगे कि इन लोगों को मरने दो लेकिन मैं उससे अलग थी, मैं लोगों को बचाने के लिए खड़ी हुई। मैंने 12 अमेज़नियन को लेकर वहाँ से अर्थ पर आने के लिए निकली लेकिन रास्ते में मुझे छोड़कर बाकी सारे लोग मारे गए
तभी हम मार्स देखते हैं जहाँ पर एक बड़ा सा लाइट हाउस था, और तब उस लाइट हाउस के दरवाजा तोड़ते हुए कोई बाहर आता है, और तब हम डियाना की आवाज सुनते हैं जो कहती है, मैं यहाँ तुम लोगों को संदेश देने आई हूँ, और वो ये है कि स्लीपर जाग गया है। एंड दैट्स इट, ये इशू यही कंटिन्यू होता है।